प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, वो दिव्य स्थान है जहां स्वामी विवेकानंद को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। ध्यान करने के बाद पीएम मोदी को शक्ति और ऊर्जा मिलेगी। मैं रामलला की ओर से उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। 4 तारीख को जो चुनाव संपन्न हो रहा है उसकी गणना है, उसमें उन्हें सफलता मिले, ये मेरी कामना है। अच्छी बात है क्योंकि वो दिव्य स्थान है, दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है विवेकानंद जी। विवेकानंद जी विषय में प्रसिद्ध हुए थे और वह साधना कुछ ऐसे होते हैं जिसके पास उनको ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है और ध्यान से, और ऐसी स्थिति में वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी गए हैं और ध्यान करेंगे। ध्यान करने के बाद उनकी शक्ति और ऊर्जा मिलेगी जिससे कि वह उनको वो सक्षम होंगे अपने कार्य करने में। इसलिए चुनाव का माहौल है, चुनाव समाप्त होने वाला है, 1 तारीख को समाप्त हो जाएगा और साथ ही साथ वो जो गए हैं वो है अपनी शक्ति के लिए। यह नहीं है कि उसके कारण वहाँ का ये आचार संहिता का उल्लंघन है, ये सब जो लोग कह रहे हैं गलत है। और समय समय पर प्रधानमंत्री जी जो हमारे देश में प्रसिद्ध शक्तियाँ हैं, प्रसिद्ध विद्यालय में प्रसिद्ध मंदिर हैं, उन मंदिरों में जाकर के ध्यान और पूजा पाठ करते आए हैं। तो मैं उनकी पूजा पाठ में उनकी जिस भावना से गए हैं उसकी सफलता मिले, और सफलता मिले साथ साथ मैं रामलला की ओर से शुभकामनाएं देता हूं कि उनको शक्ति और सफलता मिले जिससे कि वो वह शक्ति से वो अपने यह देश का कल्याण करें। और जो अभी चुनाव सम्पन्न हो रहा है उसकी गणना 4 तारीख को है, उसमें उनको सफलता मिले, ये मेरी शुभकामनाएं हैं।